आपको क्यों लगता है कि अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा? हमें बचपन से ये तो सुनाया गया है कि अल्लाह किन से नफरत करता है, लेकिन ये नहीं समझाया गया कि अल्लाह किन से मोहब्बत करता है। हमें बचपन से अल्लाह के अजाब से तो डराया गया है, लेकिन अल्लाह के रहम को देखना नहीं बताया गया। हमें अल्लाह के मुतल्लिक सब कुछ पढ़ाया गया है, बस अल्लाह से अच्छा गुमान रखना नहीं सिखाया गया। सिर्फ इसीलिए आज मैं और आप और हम जैसे न जाने कितने ऐसे लोग इस कश्मकश में हैं कि पता नहीं अल्लाह हमें माफ करेगा भी या नहीं करेगा, पता नहीं अल्लाह हमारी दुआएं सुनेगा या नहीं सुनेगा, और फिर उनको कबूल करेगा या नहीं करेगा। और सिर्फ इसी सोच में फंसकर हमने अल्लाह ताला की तरफ वापस लौटने में इतनी देर कर दी है। पता है अल्लाह ने कुरान में आपके लिए और मेरे लिए फरमाया है कि और अल्लाह बख्शने वाला है और प्यार करने वाला है। पहले जब मैं ये आयत पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ये आयत मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इतना गुनाहगार हूँ कि अल्लाह मुझे कभी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि मुआशरे के हिसाब से तो मेरे लिए आयत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब मैंने इस आयत को समझना शुरू किया तो ये आयत मुझे अपनी ज़िंदगी में नज़र आने लगी, और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये आयत तो अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदों के लिए ख़ास भेजी है, ये आयत तो मेरे लिए भेजी है। अब मैं आपको ये आयत समझाता हूँ। बख्शिश का हवाला कहाँ दिया जाता है? जहाँ गुनाहगार हो जाने का अंदेशा होता है। और बख्शिश का वादा किससे किया जाता है? जो गुनाह हो जाने के बाद शर्मसार होता है। और शर्मसार कौन होता है? जिसे ये एहसास होता है कि वो गुनाहगार है। और माफ़ी किसको मिलती है? जो हाथ जोड़े अल्लाह के सामने खड़ा रहता है। यानी अगर आपको लगता है कि आप गुनाहगार हैं तो यही अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। एहसास गुनाह ही बख्शिश की सबसे बड़ी दलील है। ये गुनाह के बाद जो गिल्ट आपको परेशान रखती है ना, ये अल्लाह की तरफ से अलाम की तरह होती है कि अब भी वक्त है, माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दिए जाओगे। और फिर अल्लाह ने इस आयत के दूसरे हिस्से में अपनी दूसरी सिफ्त बयान की है, यानी जब आप तोबा करते हैं ना तो अल्लाह आपको ऐसे बख्श देता है जैसे आपने कभी वो गुनाह किया ही ना हो, और अल्लाह वैसे ही आपसे मोहब्बत करने लगता है जैसे इस गुनाह से पहले।